रोज आते हैं उसको वायरल करूंगा। आप मेरे को पहले आइडेंटिटी कार्ड बताइए अपना, इसका क्या नाम है, राजवंश का, नंबर वन। नंबर टू, मेंटेनेंस मेंटेनेंस का ऑलरेडी दस साल का, पांच साल का पहले भरा, पांच साल का वो ले जा चुका है, जो कि पांच साल का एक्स्ट्रा दे दिया मैंने एज पर हो। और तीसरा, राज होम्स यहाँ से कचरा कलेक्शन का उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ में, वो सारा यहाँ से कलेक्ट करके ले जाता है और वो उसको नगर पालिका ने हमारे से पैसे ले लिए हैं दो साल के। चौथा है मेंटेनेंस एग्रीमेंट राज होम्स का D-338 का मेरे साथ, जो कुछ भी अगर आप उसके बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हो तो आप पहले जान लो, पढ़ लो उसको, तब आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी खुद, मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी में उसी के साथ तो मेंटेनेंस के, पानी का मेंटेनेंस 200, पानी का देने के सप्लाई के लिए 200 रुपए चार्जेज लिखे हैं उसने और 500 रुपए वसूले हमसे पहले, और मेंटेनेंस का उसने एक मुश्त 50,000 रुपए ले लिया था पांच साल का। उसके बाद में पूरा उसी का काम है आउटसाइड, हमारे अंदर तो वो कुछ करता नहीं, हमको जो कुछ काम कराना होता हम बुलाते हैं। लाइटें, लाइटों कौन सा एहसान कर रहा है, लाइट हमसे दुगने रेट पे हमें पैसे दे रहे, 4 रुपए के रेट से। ओ भाई साहब, मैं इससे क्या मतलब है हमें, वो उसका काम, उसमें एग्रीमेंट पढ़ो, तभी मैं तो कह रहा हूँ एग्रीमेंट पढ़ो आप, आपको समय सब करने दो ना सब। मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं मेरा जिम्मेदार हूँ, मैं आप कोई क्या कर रहा है उससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है। मैं अगर आप सोचे कि उसके जो मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है उसके अलावा मैं हट जाऊंगा तो मैं नहीं हटूंगा, वो एग्रीमेंट उसने किया हुआ है, साइन किया हुआ है। आप अपना राजवंश का मुझे वो दिखाइए कि आपके पास वो कहाँ है, राजवंश का आथराज राज एक्सप्रेस राज होम्स कहाँ लिखा हुआ है इसमें, राजवंश नहीं, राजवंश का तो सवाल ही नहीं है, वो जो आप दिखा रहे हो उस पर राजवंश का लिखा है, राजवंश का मेंटेनेंस चार्जेज और वो सब ले आइए। राज एक्सप्रेस के आप तो उसके इस पे प्रेस लिखा लो तो प्रेस के आदमी थोड़ी हो जाओगे, ये यहाँ थी नहीं, मेरे को वहां नहीं करना चेक, क्योंकि मेरे पास तो रिटर्न में ऑलरेडी एग्रीमेंट है, मैं क्यों चेक करूँ, तो आप चेक कर लो वहां जाके, हम लोग वहां के एक ही नहीं एम्प्लॉयर, आप तो मेरे को नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपसे कोई बहस तो करी, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि भाई जो चीजें मेरे को जो आपने एग्रीमेंट ये क्या नाम है, जो कुछ भी सारे एग्रीमेंट वगैरह ये सब मैंने आपको बोल दिया ऑलरेडी, ये सब चीजें आप अगर जानते हैं उनके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आप पहले जान लीजिए, पढ़ लीजिए उनको, फिर उसके बाद में आप मुझसे किसी बारे में। पानी का है, पानी का मेरा जितना ड्यू है मैं आज भी पैसा देने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मैं हर महीने एक चिट्ठी लिखता हूँ, वो सारे मेल आपके पास होंगे ही नहीं क्योंकि वो ऑफिस में तो ताले लगे तो वो ऑफिस में किसी को घुसने ही नहीं देता, नहीं हमें नहीं, हमें वहाँ आने की, मेरे को किसी से नहीं मिलना, वहाँ मेरा कौन बैठा, मैंने पोजेशन ले लिया, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, नहीं मेरे को थोड़ी मिलने जाना है, मेरा मतलब वहाँ कोई मिलता नहीं, मेरा मतलब ये है कि भाई आपने अगर आपके पास में कोई ऐसी वो हो क्या नाम है मेंटेनेंस का एग्रीमेंट तो आप उसको पढ़ लो, अच्छी तरीके से पढ़ लो, पढ़वा लो किसी से, अगर आप नहीं समझ तो मेंटेनेंस का पैसा एक भी रुपया नहीं दूंगा मैं। मैं आप पानी का पैसा मेरे को जितना बनता है उतना पूरा ले जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जमा नहीं है ना, ओके ओके, थैंक यू।